कौमी यकजहती देश की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए वाई खान फाउंडेशन, एक कोशिश फाउंडेशन, रॉयल ग्रुप फाउंडेशन की जानिब से मोहल्ला एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अहम बड़ी शख्सियात के अलावा सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने और सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग और इस सम्मेलन को बनाया सफल। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। वाई खान फाउंडेशन के वती जो आज धार्मिक शांतता आणि सलोका साधण्यासाठी आज जो कार्यक्रमाचे जे आयोजन केलेले होते ते अतिशय उत्कृष्ट होते। विविध धर्मातील जे महोदयांची या ठिकाणी मार्गदर्शनपर भाषण झाली, त्या भाषणामध्ये त्यांनी सांगितलं की जर जर आपण धार्मिक शांतता आणि सलोका राखला तरच कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल। अतिशय सुंदर मार्गदर्शन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि त्याचा निश्चितच भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यावर त्याचा परिणाम होईल। वाईकन फाउंडेशन, एकता ग्रुप, रॉयल ग्रुप की तरफ से रखा गया, क्या कहेंगे आवाम को? मेरा ये कहना है कि ये प्रोग्राम, थैंक यू सर, मेरा ये कहना है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए कि जिस तरह से हम एक माला की तरह कई रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए पहले थे, हैं और इंशाल्लाह आगे तक रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंद्रधनुष की तरह जो वाइट लाइट की 7 कलर हैं वो आपस में मिलजुल कर ही वाइट लाइट बना सकते हैं, तो हम एक इंद्रधनुष की तरह थे, हैं और रहेंगे और आपसी भाईचारगी रहेगी। और मेरा ये कहना है कि हम सब एक हैं क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारा संसार एक घर है, वसुधैव कुटुंबकम। कामयाब रहा ये प्रोग्राम, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि देश को इस वक्त ऐसे प्रोग्राम की, भाईचारा, एकता, प्रेम और शांति के जो प्रोग्राम है इसकी आवश्यकता है। और हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को यहाँ देखा, काफ़ी धर्म गुरु आए हुए थे, इसमें हमने भी अपना विचार प्रकट किया है। आगे भी ऐसे कोई प्रोग्राम होगा तो हम जरूर उसमें शुरू। आज का जो प्रोग्राम हुआ है एकता के ऊपर, मोहल्ला एकता कमेटी के वक्त की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर हमारे दर्शकों? एकता प्रेम के प्रोग्राम तो हमेशा होते रहने चाहिए और ये प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो भी ऑर्गेनाइज़र आयोजक हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम्स हर जगह होना चाहिए, जो लोगों में जागृति आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रेम, प्यार, मोहब्बत को बढ़ावा देना यही हमारा काम है और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी शख्सियात यहाँ मौजूद है, वाई खान फाउंडेशन के जिम्मेदार जनाब फैजुल्ला खान साहब से जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आज के इस मौके में, इस तरह से क्या ज़रूरत पड़ गई ये जो है बार बार ये एकता के नाम प्रोग्राम करने की? अस्सलाम वालेकुम। देखिए ज़रूरत तो बहुत सारी है लेकिन फ़िलहाल तो ये ज़रूरत तो ज़रूरी पूरी करनी है ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी बनी रहे। यहाँ पर जो महंत जी को बुलाया गया है और बहुत से धर्मों वालों को बुलाया गया था, उसकी वजह कि आज का जो माहौल है वो बहुत ख़राब चल रहा है। आगे रमज़ान में आने वाले हैं तो हम ये चाहते कि हर एरिए में, हर नुक्कड़ पर ये प्रोग्राम हो ताकि लोगों में आपसी भाईचारगी पैदा हो और जो दिलों में खराबियाँ आई है उससे दूर हो, ताकि आगे चल के हमको, देखिए लड़ाई झगड़े 2 मिनट के होते हैं उसका ख़त्म हो जाता है लेकिन खून ख़राब होता है जिससे बच्चों की एजुकेशन मार खा जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं, हमने तो आज प्रोग्राम फिर ही दूसरा बार किए, मैं चाहता हूँ कि हर एरिया, हर मुक्कड़ में प्रोग्राम होना चाहिए और ये बड़ा शानदार रहा। आप इसकी तफसील देखेंगे ना तो इस प्रोग्राम के ज़रिए फैजुल्ला साहब ने और उनके पूरे ग्रुप ने एक पैगाम देना चाहा इंसानियत, इखलाक, मोहब्बत का। आज के दौर में जो फिज़ा बनाने जा रहे हैं दुश्मन, उनको मुंहतोड़ जवाब आज का ये प्रोग्राम और सारे धर्म गुरु को मिलके हमने जो ये प्रोग्राम रखा और बहुत हद तक कामयाब है। सबसे पहला मैं कहना चाहूँगा कि हमारे फैजुल्ला खान ने जो ये प्रोग्राम लिया एकता का, सबसे अच्छा काम है। और अभी जो अपने देश में जो ये सब माहौल बना है कि जिसके वजह से खाली जाति पात से ही राजनीति चल रही है, राजनीति करके आम आदमी को इससे कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको 2 वक्त की रोटी मिलना ज़रूरी है, बच्चे लोगों को अच्छी पढ़ाई मिलना ज़रूरी है, हर आदमी को अपना हाथ के लिए काम मिलना ज़रूरी है। ये सब छोड़ के जो अभी ये जाति पाति का जो राजनीति चल रहा है वो सबसे माहौल ख़राब है
और ये सब माहौल बंद करने के लिए और ऐसे प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। आई और जिन्होंने अपने तौर तरीके से जो बयानत किए, मैं समझता हूँ कि लोगों के कानों तक पहुँच चुकी है। जो आज इस देश में हमारे मुल्क में जो एकता चाहिए उसके लिए कुछ ठेसे पहुँच रही है, उसके लिए ये मलम कट्टी लोग ये अच्छी तरह से जो इन लोग के लिए समझ में आ चुका है कि अभी आने वाले लोग इसमें आने वाले दिनों में लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हमें एकता रहना चाहिए, हर माहौल में हमको किसी के बहकाए में नहीं जाना चाहिए और इंशाल्लाह ताला सब लोग सही तरीके से रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी पर कुछ सविता ये सब बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम लोग जगह जगह करते हैं और करते रहेंगे। भाई ज़रूरत तो सबको मालूम है कि इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है इसकी, और फैजुल्ला खान साहब ने जो हमें एक नारा जो दिया है, मोहब्बत का पैगाम राष्ट्रीय एकता के नाम, हमारा मोहल्ला हमारी जिम्मेदारी। हम पूरे समाज को बदल नहीं सकते ना हर जगह पहुंच सकते, लेकिन हम अपने मोहल्ले में अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो ये मोहब्बत ये भाईचारा हर जगह कायम हो जाए। और हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला से और हर भाइयों से कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने मोहल्ले और अपने इलाके की जिम्मेदारी उठा लें। जय हिंद जय महाराज। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया है कि ताकि हिंदू मुस्लिम में जो आज की तारीख में जो जितना भी सब चल रहा है, अब बहुत सी पॉलिटिकल इश्यूज और सारी चीज़ें जो हो रही है, उसको हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में कन्वर्ट करने के लिए और सही पैगाम पहुँचाने के लिए हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है।